प्रदेश की सबसे हॉट मानी जाने वाली हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के घोषणा के बाद पार्टी यहां एक्टिव होने लगी है। हालांकि संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी ने सोमवार से अपने रोड शो शुरू कर दिए हैं, लेकिन पार्टी का पार्लियामेंट्री में सही मायने में चुनावी शंखनाद 14 अप्रैल को हमीरपुर से होगा। डीसीसी प्रेसिडेंट हमीरपुर ने बताया कि कांग्रेस 14 अप्रैल को हमीरपुर में पार्लियामेंट्री का जनरल हाउस करने जा रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा संसदीय क्षेत्र के सभी 17 हलकों से विधायक, पूर्व विधायक, पीसीसी, डीसीसी और बीसीसी के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। अभी हाल ही में जो 14 तारीख है वो हमीरपुर जिला के अंदर पूरे पार्लियामेंट्री का एक एक्सटेंडेड जनरल हाउस होने जा रहा है, जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और सतारा कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी एमएलएस, एक्स एमएलएस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी के जो मेंबर्स हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जितने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण हैं, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल और जितने भी हमारे कांग्रेस के विभाग के जितने पदाधिकारीगण हैं, वो उस जो हमारा संसदीय क्षेत्र का जनरल हाउस होगा उसमें वो शामिल होंगे। और वहाँ पर जो आने वाले लोकसभा, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसके लिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा और वहीं से जो है वो कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने जहाँ उनकी पंचायतें हैं, जहाँ उनके अपने ब्लॉक हैं, वहाँ जाकर जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो प्रचार हैं और जो भाजपा सरकार की जो नाकामियाँ रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार है, जो उनकी नाकामियाँ रही हैं और जो हमारे यहाँ के सांसद हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, जो 3 बार से सांसद हैं परंतु हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए वो कोई भी एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाने में नाकाम रहे हैं और वो असफल रहे हैं, पूरी तरह उनका कार्यकाल असफल रहा है, उनकी नाकामियों को वो लोगों तक ले जाने के लिए और कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ उनको बताने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसके लिए उस 14 तारीख के जनरल हाउस में सभी को वो टिप्स दिए जाएंगे।